झारखंड और देश विदेश की खबरों में आपका स्वागत है। पहला खबर है रांची से। सरकार के एक वर्ष पूरा होने पर बोले सीएम हेमंत सोरेन, 5 साल बाद झारखंड को भीख मांगने की जरूरत नहीं रहेगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि आने वाले 5 सालों में जिस लक्ष्य के साथ हम सब आगे बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से इस राज्य को किसी से भी भीख मांगने की जरूरत नहीं रहेगी। वे मंगलवार को रांची के मोरहाबादी मैदान में झारखंड सरकार के एक वर्ष पूरे होने पर समारोह को संबोधित कर रहे थे। कहा कि न भारत सरकार के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा, न ही विश्व बैंक की जरूरत पड़ेगी। पिछले 20 वर्षों में इस विषय पर कभी चिंतन नहीं हुआ। भाजपा की हेमंत सरकार को नसीहत, असफलताओं का वर्ष न रहे 2021। यह खबर है जमशेदपुर से। झारखंड में हेमंत सरकार के एक साल पूरा होने पर मंगलवार को पहली वर्षगांठ मनाई जा रही है। सरकार की ओर से तोहफा की बरसात करने के दावे किए जा रहे हैं। इन सब के बीच राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा ने राज्य सरकार पर जबरदस्त हमला बोला है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सोशल मीडिया से सरकार के एक साल पर उनके नाकामियां गिनाने का अभियान छेड़ रहा है। प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता कुणाल सांडगी ने राज्य मंत्री परिषद के एक वर्ष पूर्ण होने पर बधाई दी है, साथ ही नसीहत दे डाली है कि आगामी वर्ष 2021 में 2020 की तरह असफलताओं को घोषणाओं पर यूं तर्न का बरसा न रहे। छुट्टी में चुपके से को ऑपरेटिव कॉलेज के जमीन पर गेट लगाने पहुंचे टाटा स्टील लैंड विभाग के पदाधिकारी, प्रबंधक ने जताया विरोध। यह खबर है जमशेदपुर से। को ऑपरेटिव कॉलेज साइंस ब्लॉक के पास मंगलवार को टाटा स्टील लैंड विभाग के अधिकारी एक कर्मचारी गेट व बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य प्रारंभ करने पहुंच गए। चूंकि अभी कॉलेज में शीतकालीन अवकाश चल रहा है, इस कारण लैंड विभाग के अधिकारियों ने यह कार्य प्रारंभ करने की सोची। इसकी कॉलेज प्रबंधक को मिलते ही सभी कर्मचारी व शिक्षक कॉलेज पहुँच गए। प्रिंसिपल डॉक्टर पीके सिंह को इस मामले की जानकारी दी गई। प्रिंसिपल भी आधे घंटे के अंदर कॉलेज पहुंच गए। सभी ने मिलकर इस कार्य का विरोध किया। यह खबर है धनबाद से। 1 जनवरी से धनबाद, कतरा, चंद्रपुरा और बोकारो में बदलेगा मोरिया एक्सप्रेस का टाइम टेबल। अगर आप 1 जनवरी या उसके बाद से हटिया से गोरखपुर जाने वाले या गोरखपुर से हटिया लौटने वाले मोरिया एक्सप्रेस में सफर करने वाले हैं, तो यात्रा से पहले ट्रेन के टाइम टेबल की जानकारी जरूर ले लें। रेलवे ने इस ट्रेन को हटिया से 1 अप्रैल तक और गोरखपुर से 31 मार्च तक चलाने की स्वीकृति देने के साथ ही उसके टाइम टेबल में भी फेरबदल किया है। यह खबर है रांची से। रिम्स से कोविड वार्ड में चल रही भाड़े की नर्सिंग, कोरोना का भय दिखा, लोगों से ले रहे हैं हजारों रुपये। रिम्स की चिकित्सा व्यवस्था में निजी नर्सिंग सर्विसेज एजेंसी का दखल हो गया है। कोरोना का भय दिखाकर वैष्णवी हेल्थ होम केयर नर्सिंग सर्विसेज नाम एजेंसी परिजनों को ठगने का काम कर रही है। भाड़ा का नर्सिंग और नकली परिजन उपलब्ध कराने के लिए एजेंसी असली परिजनों से 1500 रुपये प्रतिदिन ले रही है। परिजनों से 5 दिन के लिए एडवांस के रुपये में 5000 रुपये ले जाते हैं। नए साल के जश्न में ठंड नहीं बनेगी बाधक, अगले 5 दिन तक सामान्य रहेगा रांची का टेम्परेचर। यह खबर है रांची से। रांची वासियों के न्यू वर्ष के जश्न में ठंड बाधक नहीं बनेगी। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के मुताबिक अगले 5 दिन तक रांची के मौसम में कोई बदलाव नहीं आएगा। दिन में तेज धूप खिलेगी, शाम में कनकनी बढ़ेगी। मौसम विज्ञान अभिषेक आनंद ने बताया कि 31 दिसंबर तक तापमान में 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। अभिषेक आनंद ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण रांची समेत पूरे राज्य का तापमान लगभग सामान्य के आसपास रहेगा। सुबह में हल्का कोहरा रहेगा, लेकिन दिन निकलने के साथ मौसम साफ हो जाएगा। धूप खिलते ही लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिलेगी। इनामी नक्सलियों की गिरफ्तारी से पुलिस के हौसले बुलंद, पूछताछ में मिले सुराग से कमर तोड़ने की तैयारी। यह खबर है धनबाद से। 10-10 लाख के इनामी नक्सली प्रशांत मांझी उर्फ छोटका मुर्मू, उसकी पत्नी प्रभा दे उर्फ प्रभा सोरेन और सुधीर किस्कु उर्फ सोलेमान हांसदा समेत गिरफ्तार आधा दर्जन माओवादियों को सोमवार की शाम कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट के आदेश के बाद सभी को न्यायिक हिरासत में गिरिडीह सेंट्रल जेल भेज दिया गया है। दोनों इनामी की गिरफ्तारी से गिरिडीह पुलिस के हौसले बुलंद है। दोनों से पूछताछ में मिली सुराग के आधार पर अब पुलिस गिरिडीह में नक्सलियों के नेटवर्क को ध्वस्त करने में जुट गई है। अब खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं एंड खेलों से। जाते जाते डोनाल्ड ट्रंप ने लिया ऐसा फैसला जिसे जानकर भारतीयों को होगा गर्व।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में भारत और अमेरिका के संबंध काफी मजबूत हुए हैं। अब अपने कार्यकाल के अंतिम महीने में उन्होंने गांधी किंग स्कॉलरली एक्सचेंज इनिशिएटिव को कानून बनाने को मंजूरी दे दी है। इसके तहत महात्मा गांधी और डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर के काम और विरासत का अध्ययन करने के लिए अमेरिका और भारत के बीच एक शैक्षणिक मंच स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त होगा। आरजेडी ने चला बड़ा दांव, सीएम नीतीश कुमार को दिया ये बड़ा ऑफर, बिहार में मची हलचल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट का विस्तार भी नहीं हुआ, इस बीच सत्ताधारी एनडीए भी खिंचातानी की खबरें आ रही है। ज्यादा सीटें जीतने वाली बीजेपी ने भले ही वादे के मुताबिक नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना दिया हो, लेकिन उनकी मौजूदगी पूरी तरह हजम भी होती नजर नहीं आ रही है। इस बीच अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू विधायकों का बीजेपी में जाना बिहार की सियासत को और सुलगा दिया है। एनडीए की इस खलबली पर विपक्ष पैनी नजर बनाए हुए है और जीत के दहलीज पर पहुंचने वाली राजद की संभावनाएं नजर आने लगी है। संजय राउत की पत्नी पीएमसी स्कैम में आरोपी, लेकिन राउत का शिवसेना के अलावा प्लान बी भी है तैयार। शिवसेना नेता संजय राउत आजकल जिस भी काम में हाथ डाल रहे हैं उन्हें और उनकी पार्टी को मात ही मिल रही है। ऐसे में अब पीएमसी घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने संजय राउत की पत्नी को भी हाजिर होने का नोटिस जारी कर दिया है, जिसके बाद संजय उल जुलूल बातें करके पार्टी की छवि खराब कर रहे हैं। जिन डिप्टी स्पीकर को कांग्रेसी विधायकों ने कुर्सी से खींचकर धक्का मुक्का की, उनका शव कर्नाटक में रेलवे ट्रैक पर मिला। कर्नाटक में राज्य विधान परिषद के उपाध्यक्ष और जेडीएस के नेता एसएल धर्मगौड़ा का शव मंगलवार को कदूर के रेलवे ट्रैक के पास मिला। खबरों में उनकी मौत को आत्महत्या बताया जा रहा है। उसके शव के पास एक पत्र भी मिला है, कथित तौर पर उन्होंने ट्रेन के आगे जाकर आत्महत्या की। ताबड़तोड़ पत्थर राम मंदिर पर चंदा लेने वालों पर दर्जनों लोग हुए घायल। उज्जैन से पथराव का मामला सामने आने के बाद अब इंदौर से भी राम मंदिर पर चंदा लेने के लिए निकली रैली पर ताबड़तोड़ पथराव हुआ। इंदौर में ये विवाद एक धार्मिक स्थल के पास से हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद हुआ। रैली पर हुए पथराव में दर्जनों लोग घायल हो गए। ऐसे में हालातों में देखते हुए तुरंत ही घटनास्थल पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया। फिलहाल उसके बाद से हालात नियंत्रण में है। जानिए किन राज्यों में तीन दिन होगी बारिश और बर्फबारी, चलेगी शीतलहर, पड़ेगी भीषण ठंड। देश के कई इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। अब इस बीच मौसम विभाग ने बारिश और बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, जिसके कारण उत्तर भारत के मैदानी इलाकों पर ठंड बढ़ने की संभावना है। मंगलवार से गुरुवार तक उत्तर भारत में मैदानी इलाके में शीतलहर से कांपेंगे लोग। बंगाल में श्रमिकों मार्च से नहीं मिला वेतन, बैठक में चली कुर्सियां तो भाग खड़े हुए ममता बनर्जी के मंत्री। दिल्ली में कृषि कानून के नाम पर केंद्र सरकार के विरोध में हो रहे किसान आंदोलन का समर्थन करने वाली तृणमूल कांग्रेस को अपने ही प्रदेश में मजदूरों की आवाज़ सुनाई नहीं पड़ रही है। सोमवार को इसी कारण बंगाल के नेता इंडोर स्टेडियम में टीएमसी नेताओं को ठेका मजदूरों के विरोध का सामना करना पड़ा। नाराज मजदूरों ने कॉन्फ्रेंस के बीच ही कुर्सियां पटकनी, फ्लैक्स बोर्ड फाड़ने शुरू कर दिए। मजदूरों का कहना था कि लंबे समय से उन्हें यह नहीं बताया जा रहा है कि उनकी सैलरी आखिर कब मिलेगी। बैंक अपने ग्राहकों के लिए लाई एक खास सुविधा, अब एटीएम कार्ड पे चलेगा फोन से। पंजाब नेशनल बैंक, जो कि देश की दूसरी सबसे बड़ी सरकारी बैंक में है, ने अपने ग्राहकों को जबरदस्त सुविधा मुहैया कराया है। पीएनबी ने ग्राहकों के पैसों को बिल्कुल सुरक्षित रखने के लिए बहुत ही खास फीचर की शुरुआत की है। बैंक की इस सहायता से आप अपने डेबिट कार्ड लॉक करके और आर्थिक सुरक्षित बना सकते हैं। इसकी जानकारी पीएनबी ने ट्वीट करके दी है। बैंक के इस सुविधा के जरिए पीएनबी के ग्राहक अपने एटीएम कार्ड को बंद या चालू कर सकते हैं। इसमें सबसे खास बात यह है कि इसके लिए आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं, आप अपने मोबाइल के जरिए ही ये सभी काम कर सकते हैं। टीम इंडिया के जीत के बाद ट्विटर पर दिग्गजों ने दी प्रतिक्रिया, अजिंक्य रहाणे बने हीरो। बॉक्सिंग डे टेस्ट टीम में टीम इंडिया ने जीत का डंका बजा दिया है। दूसरे टेस्ट में कंगारुओं को 8
विकेट से हराकर एडिलेड टेस्ट की हार का बदला लिया और सभी क्रिकेटर्स की बोलती भी बंद कर दी। मेहमान टीम ने मेलबर्न में अपनी चौथी जीत दर्ज की है। इस ऐतिहासिक जीत के बाद ट्विटर पर दिग्गजों ने टीम इंडिया को बधाई दी। सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट किया, विराट कोहली, रोहित शर्मा, ईशांत शर्मा, शमी के बिना टेस्ट जीतना बड़ी कामयाबी है। टीम ने पहले टेस्ट में मिली हार का बाद शानदार प्रदर्शन करके दिखाया और सीरीज में बराबरी की, यह शानदार जीत है। रिपब्लिक डे परेड 2021 में हुए कई बदलाव, 25,000 लोग ही शामिल हो सकेंगे। कोरोना के चलते इस बार 26 जनवरी को होने वाली गणतंत्र दिवस परेड में कई बदलाव हुए हैं। कोविड-19 की वजह से परेड की लंबाई कम कर दी गई है। इस बार परेड विजय चौक से शुरू होकर नेशनल स्टेडियम तक ही जाएगी, जबकि पहले रिपब्लिक डे परेड राजपथ से शुरू होकर लाल किले तक जाती थी। अमेजन मेगा सैलरी डे सेल, जानिए स्मार्टफोन, टीवी, लैपटॉप और एसी पर 1 जनवरी से 40% तक की छूट। साल 2020 दुनिया के लिए एक औसत या खराब वर्ष साबित हुआ। उम्मीद है कि आने वाला नया साल 2021 सबके लिए बेहतर साबित होगा। कोरोना वायरस की वजह से इस बार तीज त्योहार शॉपिंग और सेल पर बुरा असर पड़ा। ऐसे में अगर आप दिवाली या क्रिसमस के दौरान आई सेल का लाभ उठाने से चूक गए हैं तो ये खबर खास तौर पर आपके लिए ही है। नए साल में ई कॉमर्स कंपनी अमेजन ने आपकी खुशियों में 4 चांद लगाने की तैयारी कर रही है और 40% छूट देने की तैयारी में है। ईश्वर की चेतावनी के बाद रजनीकांत ने त्यागा राजनीतिक में आने का प्लान। तमिलनाडु चुनाव में थलाइवा की नो एंट्री। रक्तचाप समस्याओं के कारण सुपरस्टार रजनीकांत कुछ दिनों से अस्पताल में भर्ती थे। अब वहां से डिस्चार्ज होने के बाद उन्होंने अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए कहा कि वो राजनीतिक पार्टी की शुरुआत नहीं करेंगे। इससे पहले वो दिसंबर महीने के अंत में राजनीतिक दल शुरू करने को लेकर निर्णय लेने थे। उन्होंने कहा कि ईश्वर ने उन्हें एक चेतावनी दी है जिसका अनुपालन करते हुए वो राजनीतिक में नहीं आएंगे। फिर एक बार मोदी लहर, अरुणाचल प्रदेश स्थानीय निकाय चुनाव में 80% सीटें जीतकर बीजेपी ने रचा इतिहास। अरुणाचल प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी ने कुल 8,390 सीटों में से 6,661 सीटें जीतने में सफल रही है। ग्राम पंचायत चुनाव में 8,125 सीटों में से 6,458 सीटें जीतकर बीजेपी ने इतिहास रच दिया। बीजेपी ने पासीघाट म्युनिसिपल काउंसिल चुनाव में 8 में से 6 सीटें, जबकि ईटानगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव में 20 में से 10 सीटें जीती है। इसके साथ ही जिला परिषद की 237 सीटों में से 187 सीटें जीतने में कामयाब रही। जिला परिषद चुनाव में बीजेपी ने 78.9% सीटें जीती है। देश भर में सस्ता हुआ प्याज, 1 जनवरी से सरकार ने दी एक्सपोर्ट करने की मंजूरी। केंद्र सरकार ने प्याज निर्यातकों को एक बड़ी राहत सोमवार को दे दी है। नए साल के पहले दिन प्याज निर्यातक एक बार फिर से प्याज की सभी वैरायटी को निर्यात कर सकेंगे। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड एक नोटिफिकेशन में कहा कि प्याज की सभी वैरायटी के निर्यात पर से प्रतिबंध को हटा लिया गया है और यह 1 जनवरी 2021 से प्रभावी होगा। DGFT वाणिज्य मंत्रालय की शाखा में यह आयात और निर्यात संबंधी मसलों को देखता है। रवि शास्त्री हुए रहाणे की कप्तानी के कायल, क्या हुआ कोहली से मोहभंग। भारत के मुख्य कोच रवि शास्त्री ने मंगलवार को कार्यवाहक कप्तान अजिंक्य रहाणे को चालाक कप्तान बताते हुए कहा कि उनका शांत स्वभाव नियमित कप्तान विराट कोहली से बिल्कुल विपरीत है, जो हमेशा जोश और जुनून से भरे रहते हैं। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।